सो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज हम फिर से रिएक्ट करने वाले हैं कुछ स्कैरी वीडियोस पे, जो कि तुम्हारा पसंदीदा टॉपिक है, मेरा नहीं है। तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग जाता है, बट स्टिल हम देखेंगे आज भी भूतों की वीडियोस। आज की जो वीडियोस है मैंने कुछ डिफरेंट सिलेक्ट की है, मतलब आज जो हम बेसिकली वीडियोस देखने वाले हैं वो सीसीटीवी कैमरास की देखने वाले हैं। सो ये रहा हमारा सबसे पहला वीडियो, जो कि एक सड़क का है, किसी के घर के आगे लगा है। मतलब सीसीटीवी कैमरा की मैंने इसलिए चूज की क्योंकि ये फेक नहीं होती है ज्यादातर, मतलब अब इसमें भी पता नहीं है फेक है या नहीं है, पता लगा दें, बट मेनली मैंने रियल चूज किया। सामने से एक बंदा आ रहा भाई, चलता हुआ हाथ पे, एंड जो वीडियो में क्लेम कर रहा हूँ कर रहे हैं रियल गोस्ट ट्रैप्ड, मतलब भाई भूत आ रहा है वो। भाई मुझे तो डर लग रहा है इसका, भाई चल भी थोड़ा अलग तरीके से रहा, मतलब जिस हिसाब से चल रहा है ना तो हैबिचुअल लग रहा है काफी ज्यादा। अबे भाई इंसान है शायद ये कोई, यार हैंडीकैप बंदा है यार शायद कोई, जहां तक मुझे लग रहा है, फालतू डर रहा हूं मैं। सो हम वीडियो को रेट भी करते हुए चलेंगे दोस्तों की कितनी स्कैरी थी कितनी नहीं। तो इसको हम 5 out of 1 देंगे, एक नंबर, ठीक है। सो भाई एक जो है ना घर का वीडियो है, और वहां पे बच्चे का खिलौना वो खुद ब खुद हिल गया, ठीक है, पीछे चला गया वो। उधर एक लड़की सो रखी है, और ये ना कोई वैसा एरिया है जहाँ पे मतलब जैसे घर के आके कोई भी मेहमान वगैरह बैठता ना, वैसा कुछ देखने में लग रहा है। ओह चल उधर से तो मैं मान सकता हूँ भाई, किसी ने धक्का दे दिया होगा, रुक जाओ ये इधर से कैसे जाता, पहले ये देखने दो। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस जगह पे एक स्ट्रिंग बांधा हो, कुछ भी हो सकता है, आगे देखते हैं। सो यहाँ पे डेट टाइम भी आ रहा है, टाइम जो है भाई ये तो रिसेंट ही डेट है, टाइम जो है रात के 1 बज रखे हैं, ठीक है। ओ भाई उसका जो बैड है वो खुद ब खुद उठ गया है, नीचे चला गया है। अबे भाई, अरे मेरे को डर लग रहा है भाई, उठ के भाग वहां से, कैसे लेट रखी है तू यार इतनी देर तक। सो वो जो लड़की है भाई अपने घर में से किसी को बुला के लाई है, भाई वगैरह होगा या फिर मे भी शादीशुदा भी हो सकता है, कुछ नहीं पता मुझे। सो भाई अभी जो है ना यहाँ पे ये बंदा सो गया, वो लड़की जाके कहीं और जाके सो गई है, इन्हें कहा होगा मैं देखता हूँ क्या सीन है। तो अभी क्या होगा भाई, ये क्या है भाई, ये तो किसी ने वैसी कर रखा है यार, फेक लग रही है अब तो मुझे वीडियो, और कुछ नहीं। ओ ओ ओ भाई पीछे खिड़की पे कोई है भाई, सही में भूत है क्या वो, उसको देख के लग तो रहा है थोड़ा सा अजीब सा है भाई। बंदा जो है डंडे वगैरह लेके आ रखा है, करेगा क्या भाई, भूत से थोड़ी लड़ेगा। अबे वो अभी भी विंडो के उधर ही है, तुम देख सकते हो, तो क्या चल रहा है कितनी लंबी छलांग मार के गया भाई, बहुत लंबी मैं भी मार देता यही बैठे बैठे। यार फेक लग रही है भाई मुझे तो, वीडियो में डरा हूँ मैं, बहुत बार डर गया इस वीडियो में, बट सिर्फ मुझे फेक लग रही है, पता क्या देखो जैसे, हाँ पॉसिबिलिटी है भाई, देखो क्या कहते हैं ना, जैसे लड़की सो रखी है ये, तुम अगर देखोगे इसके बेड का ना ये ऐसे करके उठा हुआ है, पर ये आधा दिख रहा है सिर्फ उसके अंदर हमें वीडियो के, तो उस साइड से एक या दो लोग ऐसे करके दबा रहे हो उठा रहे हो तो ये सीधा उठ जा रहा हो, भाई कुछ भी हो सकता है भाई, फेक लगी है तो मुझे, बट मैं डरा हूँ। तो इसको हम 5 में से 3 स्टार देंगे, ठीक है, हट तो गई थी मेरी। सो भाई ये घर का वीडियो है, ये भी पर्दे के पीछे कोई है क्या, नहीं वो विंडो होगी तो वहां से हवा चल रही होगी, जस इससे ज्यादा मत सोच धीरू, इतना डरने की जरूरत नहीं है। ओए वहां पे कुछ गिरा था, वो नीचे गिर गया, मतलब वहां पे कुछ रखा था सामान वो नीचे गिर गया। ओए भाई ये साइड में कैसे हट गया खुद से, अभी तो थोड़ी डरने की जरूरत है। ओ भाई डरावना ये थोड़ा, अरे उसकी आंखें देखो भाई दूर से ही चमक रही है। ओ अभी ये इसके पास आ गया है, अभी ये इसके पास आ गया है, और जो उधर पे सामान रखा था वो फिर से नीचे गिर गया, उसकी चादर उड़ के साइड में वो चली गई है जो उसने ओढ़ रखी थी। अभी तो भाई डर लग रहा है मुझे फिर से। ऐसा भी हो सकता है इसकी खाट के नीचे जो कोई भाई बैठा हो, इसके तखत वगैरह जिस पे भी सो रहा है ये, कोई ऑलरेडी इसके नीचे हो। ओ वो उधर पे, इसको देख नहीं रहा अंधे को। अब आप भाई मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, ये वीडियो फेक है रियल है क्या है भाई। चाचा तेरे ठीक मुंह के सामने है कोई अजीब सी चीज और तू देख नहीं रहा उसे, मुझे इसका रिएक्शन देखना है, रिएक्शन भी क्या है, देखेगा नहीं देखेगा मैं तो ये भी नहीं पता, अभी कभी ऐसी सोचा चद्दर थान के फिर से। भाई ये तो बड़ा फेक सा रिएक्शन लगा मुझे। गाइस ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि ये वीडियो रियल है फेक है, तुम बताना कमेंट सेक्शन में। मैं इसको 5 में से दूंगा, डरा तो मैं था, 3.5 stars, ठीक है। गाइस अभी तक हमने जो भी वीडियो देखी है वो जो है रियल थी या फेक थी उसका कोई आइडिया नहीं है, बट अब जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो 101% रियल है। और ये जो वीडियो है ये ड्राइविंग स्कूल की है, होता क्या है भाई, दो एंगेज कपल होते हैं,
तो वो ड्राइविंग स्कूल में रात के तुम देख सकते हो सामने 12:30 बज रहे हैं सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के टाइम के अकॉर्डिंग। ये लोग ड्राइविंग स्कूल में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जाते हैं। अब क्या कैसे वो इतनी रात को क्यों जा रहा है इतना वो तो ये अब क्या क्यों कैसे इतनी रात को क्यों गया वो ये सब मुझे नहीं पता, बट वो जा रहे होते हैं। एंड जितनी भी सारी फुटेज है वो रियल सीसीटीवी कैमरास से है। ये काफी ज्यादा जो है इंटरनेशनल भी वायरल है वीडियो, रिसर्च के टाइम पे मुझे सब पता लगा है। सो ये लोग हैं सामने देखो जो बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं अभी। सो कॉरिडोर से सामने ये इधर एक ऑफिस टाइप कुछ ऑफिस टाइप नहीं जैसे मीटिंग वगैरह होती है या फिर खाने वगैरह का हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स वगैरह लंच वगैरह करते होंगे शायद यहाँ पे जो भी स्टाफ वगैरह के लोग होंगे, तो वहां पे थोड़ी देर बैठते हैं बातचीत करते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई इनको अगर कुछ डॉक्यूमेंट लेना था तो इतनी रात को वहाँ रुकने की क्या जरूरत थी कि ये घूम रहे हैं इधर उधर, लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये कुछ कुछ भी करते हैं। तो यहाँ से फिर उठ के जो है लड़की जाने लगती है, पता नहीं क्यों, या तो इन लोग की कुछ बहस वगैरह हो जाती होगी कुछ चीज़ को लेके, या फिर ऐसा हो सकता है जो डॉक्यूमेंट लेने आए होंगे वो अचानक से उठ के बोलती है कि मैं जल्दी से लेके आती हूँ, फिर यहाँ से चलता है। किसी को कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है उसमें आवाज़ है ही नहीं। देन गाइज वहाँ से लड़का उठ के आता है और जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने होते हैं वो लेने के लिए वो अंदर कमरे में जाता है। लड़की यहाँ पे अकेले रुकती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है अभी तक भी कि ये दोनों लोग साथ क्यों नहीं गए, क्या सोच के नहीं गए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स वगैरह, यहीं से इसको कुछ डॉक्यूमेंट लेना होता है। ये आता है और वहाँ से डॉक्यूमेंट लेता है। लड़की इधर दूसरे रूम में अकेले अपना बैठी रहती है। सबसे पहले जो वियर्ड चीज होती है दोस्तों वो ये होती है कि सामने जो है डोर दिख रहा है तुम्हें वो खुद से बंद हो जाता है। ठीक है वो कोई बड़ी डील नहीं है कि हवा वगैरह से बंद हो सकता है। लड़के को वियर्ड लगता है, लड़का पीछे देखता है, देन वो अपना बैग खोल के उसको जो भी डॉक्यूमेंट लेना होता है पेपर ऊपर वो सब ढूंढ के रखने की कोशिश करता है। तुम देख सकते हो जैसे ही उसने सामान उठाया अभी अचानक से जो वहाँ के कंप्यूटर्स हैं वो खुद ओपन हो गए। तीनों कंप्यूटर्स एक साथ ऑन होना बहुत ज्यादा वियर्ड चीज है। लड़का सोचता रह जाता भाई क्या सीन है, बट पता नहीं क्यों उसमें फिर भी हिम्मत रहती है। भाई वो उसको नीचे झुक के जैसे देखता है तभी कंप्यूटर जो ऑफ हो जाता है। भाई इतने में वो बहुत ज्यादा डर जाता है, फिर से देखता फिर से ऑन हुआ है, देन भाग जाता वहां से। ठीक है अब भाई भागा यहाँ से तो जो डोर जिस डोर से उसने एंटर किया था उस डोर से वो बाहर आया ही नहीं है। सीसीटीवी कैमरा में पता ही नहीं चला उस बंदे का, उस लड़के का, कि वो गया कहाँ, किधर गायब हुआ है, सोच रहे हो तुम। एंड देन वहाँ पे ये मूव होता है, सोफा जो रखा होता है, डोर क्लोज होता है और पूरा का पूरा जो वीडियो है कैमरे का वो ब्लैंक हो जाता है। एंड भाई ये कुछ एडिटेड नहीं है, ये एकदम रियल है। यहाँ पे लड़की बैठी होती है, अब इसके साथ जो है पैरानॉमिक एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती हैं। पीछे तुम चेयर देख रहे हो, वो चेयर मूव करने वाला है अब, एंड देख सकते हो तुम। एंड इतने में गाइस कुछ ऐसा होता है कि उसे देख के कोई भी डर जाएगा, क्योंकि उसके सामने की जो चेयर होती है वो मूव करने लगती हैं। लड़की नीचे गिरती है भाई, और अब जब ये बाहर जाके गेट से भागने की कोशिश करती है तब इसके साथ होता है। भाई देन उसको घूमती घूमती इधर उधर नीचे गिर जाती है जमीन पे। एंड इस इंसिडेंट के बाद जो वियर्ड चीज है ये है कि लड़की तो ठीक है, लड़की तो है, मतलब लड़की का तो पता है, लड़की हॉस्पिटलाइज हुई थी इसके बाद। एंड अभी तक आज के दिन तक उस लड़के का कुछ अता पता नहीं है, वो कहाँ गया है, क्या है, कैसे। इस वीडियो का लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तुम वहां जाके उसके कमेंट्स पढ़ सकते हो। एंड गाइस इस वीडियो को मैं 5 में से भाई 5 स्टार दूंगा, क्योंकि मैं अभी तक सोच में हूं ये हुआ कैसे होगा। और वीडियो इसी के साथ इधर ही खत्म करता है। तुम कोई भी तुम्हारे पास अजीब हॉरर वीडियो, फनी वीडियो, कोई भी कॉन्टेंट है तुम उसका मुझे लिंक जो है मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, बता सकते हो, ईमेल कर सकते हो, जिससे कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं जा रहा हूं भाई हनुमान चालीसा पढ़ूंगा।